नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा यहाँ पे दोस्तों मैं एक ऐसे स्टॉक की, एक ऐसे डिफेंस स्टॉक की जिससे इससे पहले मैंने कभी भी बात नहीं की है। इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्टिकल एक ब्रोकरेज हाउसेस ने निकाला है और मुझे ये लगता है दोस्तों ये स्टॉक, क्योंकि देखिए आप समझिए, जब तक मोदी गवर्नमेंट है डिफेंस के जो ये सेक्टर है इसमें बहुत ही ज़्यादा बड़ा बूम मुझे नियर टर्म में दिखाई देता है दोस्तों। नियर टर्म जो मैं कहता हूँ मतलब आप कह सकते हैं 3 से 5 साल, जब तक मोदी गवर्नमेंट है और मोदी गवर्नमेंट के 3 साल हैं तब तक डिफेंस स्टॉक मुझे लगता है एक काफ़ी अच्छे रनअप दे सकते हैं। यहाँ एक ऐसे स्टॉक की बात करूँगा जो डेट फ्री है, जिसकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और जिसकी आरओई बहुत ज़्यादा हेल्दी है। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, तमाम पहलू पे, चाहे वो डेट फ्री हो, चाहे वो उसके ऑर्डर बुक्स हो, प्लस जो रिस्क है उसके, इन तमाम चीज़ों में चर्चा होगी दोस्तों। ठीक है, ये डिफेंस स्टॉक, क्योंकि देखिए बहुत ही ज़्यादा लोगों को अभी कह लीजिए आप, उनके पास डिफेंस स्टॉक बहुत सारे बस चल रहे हैं बाजार में कि कौन डिफेंस स्टॉक लें, कौन सा नहीं लें। ये मेरी पहली वीडियो है डिफेंस स्टॉक के ऊपर और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है इन लेवल्स में, आप कह सकते हैं एंट्री पॉइंट के लिए। आपके साथ लेवल्स भी आखिर में चर्चा करूंगा कि कौन सा लेवल कह सकते हैं आप जहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा उस आर्टिकल की तरफ। लेकिन दोस्तों अगर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब का बटन दबा दे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा आपको मैं आर्टिकल की। देखिए, स्टॉक टू बाय, डेट फ्री डिफेंस कंपनी विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक एंड हेल्दी आरओई। भाई कौन सी है ये कंपनी जो डेट फ्री भी है और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी है और हेल्दी आरओई है? देखिए, जियोजीत हैज कम अप विद इट्स स्टॉक टू बाय फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल। ठीक है, ये अप्रैल में खरीदना, 14 तारीख की रिपोर्ट है। द ब्रोकरेज इज बुलिश ऑन द डिफेंस प्ले एंड हैज रिकमेंडेड बाइंग द स्टॉक ऑफ भारत डायनामिक्स। भारत डायनामिक्स को कहने की बात कही गई है दोस्तों। ठीक है, रीजंस क्या है आपको मैं आगे दिखाता हूं। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक, सबसे पहली ऑर्डर बुक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अकॉर्डिंग टू जियोजीत द कंपनी ऑफ द ईयर एंडेड मार्च 2022 रिपोर्टेड सेल्स ऑफ ₹2,700 करोड़ अनऑडिटेड कंपेयर टू मार्च 2021 सेल्स फिगर्स ऑफ 1,914 करोड़। यानी आप कह सकते हैं मार्च 2022 जो ये खत्म हो रहा है उस समय इन्ना ये कहा है कि 2700 करोड़ की ये बिजनेस किए हैं, जो कि पिछले साल के लगभग 1900 करोड़ के आसपास से ये से इतना ज़्यादा है। टोटल कितना? 41%, यानी कि टोटल 41% का जंप। और मैं आपको बता रहा हूँ ये शुरुआत है, आने वाले समय में ये नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। नाउ बट वॉट इज इंकरेजिंग इज द कंपनी हैज एन ऑर्डर बुक पोजिशन ऑफ रुपीज आप कह सकते हैं जिनकी ऑर्डर बुक है इस कंपनी की, सिर्फ जो ग्रोथ 41% है वही इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके साथ इनकी जो ऑर्डर बुक है दोस्तों वो 11,400 करोड़ है एज ऑफ 1 फरवरी 2022। ठीक है, नाउ इन फरवरी दिस ईयर भारत डायनामिक्स साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन आर्मी टू मैन्युफैक्चर सप्लाई कॉन्क्वेस्ट एमएनटी टैंक गाइडेड मिसाइल विद ₹3,132 करोड़। This order is expected to be executed in 3 years. 3 साल में 3,132 करोड़ का ऑर्डर मिला है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में भारत डायनेमिक्स को, क्या बनाने के लिए? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इन अदर वर्ड द कंपनी ऑन एवरेज शुड हैव एनुअल सेल्स ऑफ 1,000 करोड़ ओनली फ्रॉम दिस ऑर्डर बुक। आप समझिए, पूरे साल भर में एक तरफ 2700 करोड़ हुई है जो कि पिछले 2,000 करोड़ थी, इस बार सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट इनके पास 3,132 करोड़ है, विच इज वन फिनोमिनल है ये दोस्तों, फिनोमिनल है ये। ठीक है, आगे है, आगे चलते हैं। नाउ गिविंग स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ विजिबिलिटी फॉर द कंपनी, ये ब्रोकरेज हाउस का मानना है क्योंकि बहुत अच्छी विजिबिलिटी दे रही है। आगे है जीरो डेट एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। आपको पता होगा एक लॉन्ग टर्म में, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, मैंने हमेशा कहा है लॉन्ग टर्म में अगर किसी को लॉन्ग टर्म में निवेश करना है, एक ऐसी कंपनी आपको ढूंढनी है जो डेट फ्री हो और फाइनेंशियल स्ट्रांग हो। ठीक है, अब देखिए
भारत डायनेमिक्स रिवील्ड अ गुड सेट ऑफ नंबर्स फॉर द फर्स्ट 9 months ऑफ द करंट फिस्कल ईयर. सेल्स इन द फर्स्ट 9 months वर एट रुपीज 1,356 करोड़ कंपेयर टू रुपीज 701 करोड़. आप समझ रहे हैं, एटलीस्ट अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, मोटा मोटी 5-10% ऊपर नीचे कर लीजिए, लगभग 2x यानी दुगने हो रहे हैं दोस्तों इनके सेल्स के नंबर सेम पीरियड लास्ट ईयर. द कंपनी रिपोर्टेड एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ रुपीज 332 करोड़ कंपेयर टू अ लॉस ऑफ 27 करोड़ पिछले साल के 27 करोड़ के घाटे के सामने 322 करोड़ का मुनाफा है दोस्तों ये, ठीक है. आप देखिए इन द सेम पीरियड द कंपनीज नेट प्रॉफिट स्टूड एट रुपीज 235 करोड़ कंपनी की नेट प्रॉफिट 235 करोड़ पर निकल के आई है टू अ लॉस ऑफ 2.66 करोड़ जीरो पीरियड लास्ट ईयर, ठीक है. नेट प्रॉफिट 235 करोड़ है जो पिछले साल 2.60 करोड़ थी, यानी कि आपको साफ दिख रहा होगा कंपनी जबरदस्त तरीके से अपने नंबर्स पेश कर रही है, रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, सेल्स बढ़ रहे हैं. और इसके साथ साथ एक जो सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं पॉजिटिव है, द कंपनी इज अ जीरो डेट कंपनी दैट विल हेल्प द कंपनी डिस्ट्रीब्यूट मोर प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स, ठीक है. जीरो डेट की कंपनी यानी कि अपने शेयर होल्डर्स को ये कह सकते हैं आप कि प्रॉफिट ज्यादा शेयर करेगी. और कंपनी ने डिक्लेयर किया था डिविडेंड 7.5 रुपए का, तो आप समझ रहे हैं कितनी ज्यादा ये पॉजिटिव चीज है, ठीक है. आगे चलते हैं, आगे आप देखिए म्यूचुअल फंड मैनेजर लव द शेयर ऑफ भारत डायनेमिक्स. म्यूचुअल फंड के जो मैनेजर हैं उन्हें भारत डायनेमिक्स के जो शेयर हैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद है. अकॉर्डिंग टू जियोजीत इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओन 19% स्टेक इन द कंपनी. जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो 19% स्टेक रखते हैं ऑफ द कंपनी विच 17% विद द म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री. 31 दिसंबर की अगर माने 19% की जो स्टेक है दोस्तों वो आप मान के चल सकते हैं किनके पास है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है, जिसमें से 17% म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास है. वी हैव ऑब्जर्व दैट इंडियन म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैव इंक्रीज्ड देयर स्टेक इन द कंपनी इन जनवरी एंड फरवरी. जो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने अपनी स्टेक को बढ़ाया है जनवरी और फरवरी में. दे हैड 1.47 करोड़ शेयर्स एज ऑफ दिसंबर 21 इंक्रीज्ड ऑफ 1.56 करोड़ शेयर फॉर द जनवरी एंड फर्दर इंक्रीज टू 1.68 करोड़ शेयर्स फॉर फरवरी. यानी आप देख रहे होंगे लगातार इंक्रीज किया जा रहा है. और जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों आने वाले समय में इस कंपनी में जो फोकस है, इंडियाज फोकस ऑन एक्सपोर्टिंग डिफेंस प्रोडक्ट. इंडिया का जो फोकस है डिफेंस प्रोडक्ट में, अपने आप को डिफेंस प्रोडक्ट में अपने आप को फोकस रखना. भारत डायनेमिक्स इज इन द डिफेंस बिजनेस प्रोड्यूसिंग सरफेस टू एयर मिसाइल SAM एंड एयर टू एयर मिसाइल, ठीक है. देखिए भारत की जो ताकत है ना दोस्तों वो अभी मिसाइल्स को बेचने में करके बहुत ज़्यादा फोकस है. कई लोग एयरक्राफ्ट की बात करते हैं कि तेजस हम सेल करेंगे, लेकिन अभी हम मिसाइल्स को ही बहुत अच्छे तरीके से एज ए इंडस्ट्री खड़े कर पाए हैं. इट ऑल्सो मैन्युफैक्चर अंडर वाटर वेपन्स एंड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल फॉर द आर्मी. मैंने आपको बताया था इससे पहले भारत सरकार ने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए, प्लस ये अंडर वाटर वेपन्स भी बना रहे हैं. और देखिए द इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट एन एम्बिशियस टारगेट टू एक्सपोर्ट डिफेंस प्रोडक्ट टू इंडिया फ्रेंडली कंट्रीज. भाई जो भी इंडिया फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको भारत सरकार सोच रही है कि अपने जो वेपन्स हैं वो सेल करेंगे. इंडियाज डिफेंस एक्सपोर्ट विच वेयर 1,941 करोड़ इन 2015 इंक्रीज टू 11,606 करोड़ इन फाइनेंशियल 22. द गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट ऑफ रुपीज 36,500 करोड़ फाइनेंशियल 25. और सरकार का मानना है कि 2025 तक भाई साहब हम जो है ना 36,500 करोड़ रुपये का आप कह सकते हैं माल जो है बेचेंगे डिफेंस के प्रोडक्ट्स, यानी कि लगभग 5 से 5.5 बिलियन डॉलर्स के, ठीक है, 5.5 के. आगे आप देखेंगे कि अब तो बहुत अच्छी बात है, क्या कोई कंसर्न है? जी हाँ दोस्तों बिल्कुल कंसर्न है. क्या है वो? जियोजीत हैज हाईलाइटेड कंसर्न इट्स रिपोर्ट भारत डायनेमिक्स गेट इट्स रेवेन्यू मेनली फ्रॉम द गवर्नमेंट. भारत डायनेमिक्स कह रहा है कि भाई जो उनकी मेन रेवेन्यू यह कहाँ से आती है? भारत सरकार से. एनी स्लो डाउन बाई द गवर्नमेंट ऑन डिफेंस स्पेंडिंग कुड इम्पैक्ट द कंपनी फ्यूचर ग्रोथ. द कंपनी इन्वेंट्री लेवल्स आर यूजुअली हाई रिड्यूसिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. आप समझिए ये यहाँ यही प्रॉब्लम है कि सब एक ही क्लाइंट से बहुत ज़्यादा फोकस है इनका, किसके? भारत सरकार के पास. और कोई भी स्पेंडिंग कम होती है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होगा किसके लिए? कंपनी के शेयर होल्डर के लिए, कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के लिए. लेकिन मैं आपको बता दूँ मुझे बिल्कुल नहीं लगता है,
ठीक है, कि ऐसा कुछ होगा। मुझे जो ज्यादा खतरनाक चीज लगती है वो है ये, लास्ट बट नॉट लीस्ट, देयर इज अ चिप शॉर्टेज इन द वर्ल्ड। जो पूरे विश्व है वहां पे बहुत ज्यादा चिप की शॉर्टेज चल रही है, और ये वाकई में एक बड़ा कंसर्न है दोस्तों, ठीक है। और मुझे इसीलिए लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए, स्पेंडिंग कम होने वाली नहीं है। चिप शॉर्टेज की इशू, अगर कोई गिरावट होती है स्टॉक में बड़ी, मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका होगा फॉर अ लॉन्ग टर्म निवेशर, ठीक है। और मैं आपके साथ क्या चर्चा करूं, मैंने आपसे कहा था लेवल्स की चर्चा करेंगे, तो आइए करते हैं। देखिए सबसे पहला है कि जो आप कह सकते हैं भारत पे, आप कह सकते हैं जो भारत डायनामिक है उसमें अगर आप बात करेंगे भारत डायनेमिक्स की मेरे सामने, तो ये कंपनी डिफेंस के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, आपको पता होगा, ठीक है। और करेंटली अगर हमें बात करें तो ये 733 रुपए में दोस्तों ट्रेड कर रही है, कितने 733 रुपए में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 3.5% 3.73% की इसमें गिरावट हुई थी, ठीक है, गिरने के बाद 773 रुपए में चल रहा है। और देखिए जब ये 733 टूटा है ना, सबसे पहला सपोर्ट है 721 रुपए, ठीक है, उसके बाद है 706 रुपए। और ये आप देखिए दोनों ही लेवल्स में, चाहे वो क्लासिक हो फिबोनाची हो, दोनों में ही आप पाएंगे कि 706 ना एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसको ये तोड़ता है तो उसके बाद 679, ठीक है। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ 690 ये अगर लेवल टूटता है दोस्तों ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और ये दिन सस्टेन कर जाता है तो थोड़ी बड़ी गिरावट हो सकती है, ठीक है। और आप देखिए जो 10 डे ईएमए इसका, ये है 667, ठीक है, 20 डे ईएमए 615। तो देखिए मैं ये मानूंगा इसे आप आराम से एसआईपी मोड में ले, लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे एसआईपी मोड के लिए लेंगे वो ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय इकट्ठा पैसा डालने के, क्योंकि बाजार में थोड़ी सी वीकनेस हो सकती है। तो यदि आप एक डिफेंस स्टॉक को खरीदना चाह रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौका है दोस्तों फॉर अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो यदि आपको पूरी एनालिसिस पसंद आई हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।